सो हेलो गाइस, और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डूज डोंट्स मोर पंखी के पौधे के साथ आप लोग किस कारण लोगों से कई बार गलतियां हो जाती हैं और ये ब्यूटीफुल सा थूजा का प्लांट भर जाता है। तो आइए चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कुछ बेसिक जानकारी और सिंपल दो स्टेप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें इसके नाम की, तो इसे हिंदी में कहा जाता है मोर पंखी और इंग्लिश में इसे कहा जाता है थूजा। ये प्लांट बेसिकली बिलोंग करता है साइप्रस फैमिली से, और साथ ही साथ आप ये बात जान के भी हैरान हो जाएंगे कि जो थूजा का प्लांट होता है वो एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो यार ज़रूर लगाएं थूजा प्लांट। और चलिए अब जानते हैं इसके टू सिंपल बेसिक केयर टिप्स जो कि आप लोग को ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप लोग एक हेल्दी पौधा चाहते हैं। तो स्टेप नंबर वन, मल्चिंग। मल्चिंग के वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स में, बट मेनली अगर बात की जाए तो जो तीन होते हैं वो बहुत मेजर होते हैं बेनिफिट जो कि हम सभी को जानने चाहिए। पहला होता है कि हमारे कोई भी मल्च हो, चाहे वो ब्राउन मल्च हो या ग्रीन मल्च हो, वो हमारी मिट्टी का मॉइस्चर अटेन करता है, मॉइस्चर को उड़ने नहीं देता। सेकंड, हमारे मिट्टी में कुछ टाइम बाद ये डिकम्पोज होकर एक अच्छा कॉम्पोस्ट बन जाता है इवन। और जब हम लोग इसके अंदर कोई भी टाइप का फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर पाते तो ये बचा हुआ हमारा किचन कॉम्पोस्ट जो बन जाता है हमारे पौधों में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और अगर बात की जाए कि ग्रीन मल्च यूज़ करें या ब्राउन मल्च, यानी कि जो ब्राउन मल्च होता है यानी कि वो जो कि पत्ते होते हैं जो कि सूखे होते हैं, और ग्रीन मल्च होता है हमारा जो कि हरे हरे पत्ते होते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं, उनमें फंगस लगता है। तो हाँ, आप लोग को ब्राउन मल्च यूज़ करना है क्योंकि ब्राउन मल्च हमारा जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसके अंदर फंगस नहीं लगती और जो हमारा प्लांट होता है वो बहुत बढ़िया चलता है। साथ ही साथ आप लोग मल्च करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मल्च आप लोग को रेनी सीज़न में नहीं करना, अगर आप लोग रेनी मंथ के सीज़न में वीडियो देख रहे हैं तो। स्टेप नंबर टू, वाटरिंग। वाटरिंग गलत तरीके से करना पौधे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है और अक्सर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं जिसके कारण उनका थूजा का प्लांट मर जाता है। तो आइए सीखते हैं वाटरिंग कॉन्सेप्ट। मेनली जब प्लांट में कम वाटर हो या जब ज़्यादा वाटर हो तो पौधे में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर के अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग पौधे के लिए या पौधे की ग्रोथ को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो आप लोग कैसे पहचानें कि पौधे में कब पानी डालना है, आइए चलिए सीखते हैं। पौधे में जब आप लोग देखें कि मिट्टी हाफ इंच सूखी हो, यानी आपकी फिंगर का ऊपर का हाफ पोर्शन जब आप लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, जब सूख जाए तब पानी डालें वरना पानी ना डालें। ये उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक।